प्रयागराज के फूलपुर इफको प्लांट में बीती रात बड़ा हादसा हुआ। अमोनिया गैस के रिसाव से दो अधिकारी वीपी सिंह और अभय नंदन की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफको में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब है। सभी को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात 11 बजे फूलपुर इफको के P1 यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ। वहां मौजूद अधिकारी वीपी सिंह रिसाव को रोकने पहुंचे, लेकिन वो बुरी तरह झुलस गए। इसके बाद उन्होंने बचाने के लिए अधिकारी अभिनंदन पहुंचे, जो झुलस गए। इन दोनों अफसरों को मौजूद कर्मचारियों ने बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान अमोनिया गैस का रिसाव पूरे यूनिट में हो चुका था। वहां मौजूद 15 कर्मचारी इसकी चपेट में आ चुके थे, जिसमें से कुछ लोग बेहोश हो गए। मौके पर पहुंचे एक्सपर्ट ने स्थिति को नियंत्रण में किया। बताया जा रहा है कि अमोनिया की चपेट में आने से बीमार हुए धर्मवीर सिंह, लालजी, हरीश चंद, अजीत कुशवाहा, अजीत, राकेश कुमार, शिव, काशी, बलवान, अजय यादव, सीएस यादव, आरआर विश्वकर्मा, राकेश समेत कई कर्मचारियों को इफको में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इफको के अधिकारी बीपी सिंह और अभिनंदन की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसपी गंगापार धवल जायसवाल, सीओ रामसागर, एसडीएम युवराज सिंह, इफको के यूनिट हेड मोहम्मद मसूद समेत कई अफसर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर करते हुए कहा, प्रयागराज में फूलपुर स्थित एक प्लांट में गैस रिसाव से हुई दुर्घटना से मन बेहद ही दुखी है। स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। सभी घायलों का समुचित इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। हादसे में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दस्तक भारत के लिए प्रयागराज से नौलाख सिद्दीकी की रिपोर्ट।